युगों युगों से इस देश में देवता भी रहे हैं, राक्षस भी रहे हैं, और उनकी मनोवृत्ति भी अलग अलग रही है। आज के युग में भी हैं ये जो बोल रहे हैं, ये राक्षस परंपरा कही हैं जिनको भगवे में सारे दोष नज़र आते हैं, लेकिन जो जो क्या निकला देखिए, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का अगर हम अध्ययन करें तो हर युग में देवता भी रहे हैं, राक्षस भी रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये आज के राक्षस प्रवृत्ति के महानुभाव हैं जिनको भगवा में इतना दोष नज़र आता है। दिन चढ़ता है तो भगवा होता है, रात्रि होती है तो भगवा होता है। हमारे तिरंगे में भगवे को सबसे ऊपर लिया गया है और इनको उसमें दोष नज़र आ रहा है। इनको तुरंत अपने पद से, जिस तिरंगे के सामने खड़े होकर इन्होंने शपथ ली हुई है और आज उसको ये इस प्रकार से कह रहे हैं, इनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। देखिए, अब जो केजरीवाल जी हैं या दूसरे नेता हैं, विपक्ष के जो भी नेता हैं, इनको हिंदुस्तान की जो ताकत है, हिंदुस्तान जिस प्रकार से आज चाइना को आंखें खोल कर, आंखें गाड़ कर उसके साथ बात करता है, उसका इनको अर्थ समझ नहीं आ सकता। क्योंकि इनका तो ध्येय है हिंदुस्तान का विरोध करना और जो पड़ोसी हमारे दुश्मन राज हैं उनकी प्रशंसा करना, ये इनका काम। सर, चुनाव कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें शामिल होऊंगा और आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही रहूंगा? नहीं नहीं, ऐसा है कि व्यक्तिगत तौर पर शायद कुछ समय वो ना भी रहे हों, लेकिन आत्मा उनकी कांग्रेस की है और उसी कांग्रेस की है जिसने 1947 में देश का बंटवारा कराया और 1984 में लगभग 3500 सिखों का नरसंहार कराया। तो ये वो कहें या ना कहें, जनता उनको जानती है कि कांग्रेस की यही सोच है।